इतना डर हर किसी बंदे के मन में बिठा दिया है कि अब हमसे जो मर्जी चाहे ये लोग करवा सकते हैं, और हम इतने डरे हुए हैं कि हम इनके कहे से जो ये कहेंगे वो ये हम करेंगे। किस किस को लगता है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारी साइड पर है? मुझे नहीं लगता, सॉरी। आप लोगों को पता ही है कि कोरोना के बारे में मेरे क्या विचार हैं, और मैंने मार्च में ही इतनी विवादजनक वीडियोस रिलीज कर दी थी, और यही कारण है कि मैं कोरोना या कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी बकवास नहीं करता हूँ। मैं बहुत बचता हूँ अपने आप को इन सारी बकवासों से दूर रखता हूँ। पर जो लोग भी कोरोना की वैक्सीन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, खैर इंतज़ार तो पूरा हो गया है, और मेरी सांत्वना आप लोगों के पूरे पूरे साथ है। तो ये जो सब कुछ हुआ है ना, कोई विवादजनक बात नहीं करूँगा, सिंपल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी कुछ हुआ है लास्ट ईयर में और अब इस साल में, जो भी एंटिसिपेटेड है कि जो भी कुछ होने वाला है, इससे इम्यूनिटी पावर जो है वो जितनी थी उससे भी कई गुना नीचे जा करके मुंह के बल गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस पावर नेगेटिव में जा चुकी लोगों की। जहां एक समय था जब हॉस्पिटल में पड़े हुए बंदे को, बेड रिडन बंदे को हम लोग बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तेरे को, शेर है तू, कुछ नहीं होगा तेरे को, ये है वो है फलान ढिमकान, उसको हिम्मत देते थे, वहां आज का टाइम ऐसा है कि एक छींक भी आ जाए ना घर में किसी बंदे को, वहां वो बीमार है और उसको दूर कर दो, उसको भाग लो, और वो खुद भी भाग लेता है दूसरों से, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेता है और डर जाता है पूरी तरीके से। ये जो डर है ना हमारे अंदर इस टाइम पे, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को पूरा खत्म कर देता है, क्योंकि हमारी टॉलरेंस पावर जीरो हो जाती है। टॉलरेंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर इम्यूनिटी पावर, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। तो मैंने आपको ये बात इसीलिए बताई है क्योंकि अभी अभी मैं बच्चे से मिल के आया जो 7th क्लास में है। अब हुआ क्या कि उसको थोड़े सिम्टम्स आए, 7 दिन तक उस बच्चे ने अपने आप को बिना टीवी वाले कमरे में बंद करके रखा है। आई वॉज शॉक्ड कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मतलब 7th क्लास का बच्चा, एंड व्हेन द होल फैमिली सेइंग कि कुछ नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे, बट वो बच्चे की खुद की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने आप को क्वारंटाइन किया, फैमिली का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था, हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द फैमिली। अब बट ये बात मैं उनके मुंह पर नहीं बोल सकता, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड एंड द फैमिली एज वेल, बट आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है तो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंसिडेंट्स बहुत सारे मेरे सामने आते हैं, रोज के सामने आते हैं, बट अपने आप को कंट्रोल करता हूँ किसी तरीके से, वरना कई बार मन करता है कि बहुत सुनाऊं। सॉरी, हम सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे डर का फायदा कितने लोग उठाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। डर का फायदा मतलब मंदिरों से लेके अस्पतालों तक हर जगह डर का फायदा उठाया जाता है, और अब तो लास्ट ईयर के और इस साल के स्कैम ने इतना डर हर किसी बंदे के मन में बिठा दिया है कि अब हमसे जो मर्जी चाहे ये लोग करवा सकते हैं, और हम इतने डरे हुए हैं कि हम इनके कहे से जो ये कहेंगे वो ये हम करेंगे, राइट। जब एक छोटा सा 7 साल का बच्चा तक इतना डरता है, जब उसको कुछ हुआ नहीं है और सारी रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं और फैमिली को भी पता है कुछ नहीं हुआ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, आई ऑल्सो नो कि उसको कुछ नहीं हुआ था, बट फिर भी वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है, तो हम तो फिर भी बहुत डरपोक हैं हम सब लोग, तो हम तो पता नहीं क्या क्या वो कर देंगे अब सरकार के, व्हाटएवर, छोड़ो। बहुत बहुत बढ़िया गाना है गुरदास मान का, की बनु दुनिया दा। हेलो 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 हेलो, थैंक यू करण मिलिया, आ गया वाले तो अंग्रेज वड़िया, आई डोंट लाइक दी पंजाबी हिंदी नू, शर्म नहीं आंदी सानू गल देंदी नू, शर्म नहीं आंदी सानू गल देंदी नू, हर बोली सिखा सिखनी भी चाहिदी, हर पक्की वे के कच्ची नहीं टाई दी, हर पक्की वे के कच्ची नहीं टाई दी, नशिया ने मार दे गबरू। ये सुनो, एक अल्टीमेट क्लासिक।
कितना जोर कर, बेवजह बातों पे अरे गौर कर, दिल सा कोई कमी ना तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है।